नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं सोहन शर्मा और आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया और टेस्टी हरे धनिए की चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हरे धनिए की चटनी बनाना। बिल्कुल ग्रीन ग्रीन चटनी बनाएंगे हम। कुछ लोग कहते हैं हमारी चटनी हरी नहीं रहती, लेकिन ये चटनी बिल्कुल हरी रहेगी और पानी भी नहीं छोड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं चटनी बनाना। ये मैंने 5-6 पीस हरी मिर्ची लिए, 4-5 पीस तीखी मिर्ची और 2 बड़ी वाली मिर्ची, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 आधा नींबू और 10-12 पीस मूंगफली दाना और ये 100 ग्राम हरे धनिए की पत्तियां चूंट ली है मैंने। 100 ग्राम हरा धनिया था उसकी पत्तियां चूंट ली है। और आप अगर तीखा कम खाते हो तो हरी मिर्ची कम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर लहसुन खाते हो तो 1-2 कली लहसुन भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए, मैंने एक पतीले के अंदर हरे धनिए को धो रहा हूँ, पानी में पूरी तरीके से डिप करके इसको निकाल लिया। इसी तरीके से आपको ये गंदा पानी हटा देना है और 3 स्टेप में इसको इसी तरीके से धोना है। फिर पानी डालना है, फिर धोना है, फिर पानी डालना है, फिर धोना है। तो चलिए, मैंने अच्छे से हरे धनिए को धो लिया है और हरी मिर्ची को बड़े टुकड़ों में काट लिया है और मूंगफली दाने रख रखे हैं मैंने, अदरक को बड़े टुकड़ों में छील के काट लिया है, नींबू को हम साइड में कर देते हैं, हमें बाद में चाहिए। तो एक मिक्सी ली है मैंने, अब मैं हरा धनिया इसके अंदर डाल देता हूँ मिक्सी के अंदर। और हरा धनिया मैंने मिक्सी के अंदर डाल दिया, हरी मिर्ची को भी मैं मिक्सी के अंदर डाल देता हूँ और मूंगफली दाने भी डाल दूंगा अभी, और अदरक भी बड़े टुकड़ों में जो कटी हुए है वो भी डाल दूंगा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप 1 कली लहसुन भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आप अगर लहसुन खाते हो तो। तो चलिए, मैंने अदरक भी डाल दी, मूंगफली भी डाल दी और अब मैं 2 चुटकी हींग डाल रहा हूँ इसके अंदर। 2 चुटकी हींग डालनी है आपको इसके अंदर और 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालना है आपको। तो चलिए, अब इसको ढक्कन लगा लेते हैं, हम पीस लेते हैं। पानी हम मिक्सी पे पीसते हुए ही डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर। कई बार क्या होता है, धनिए के अंदर भी पानी काफ़ी सारा रह जाता है और चटनी हमारी पतली हो जाती है, तो उसी टाइम पानी डालेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ रही है हमें, 1/4 गिलास से भी कम पानी की ज़रूरत पड़ी है हमें, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, बहुत अच्छी चटनी बनती है। चलिए, मैंने चटनी को पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीस लिया है चटनी को। अब इसको मैं एक बाउल के अंदर निकाल लेता हूँ। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बारीक चटनी है ये, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। पकौड़ी के साथ, नाश्ते में सैंडविच पे लगा के, या चिल्ले के साथ। अब मैंने इसके अंदर नींबू डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया। अब इसको अच्छे से हिला लेते हैं। आप अगर 5-6 दिन चटनी को फ्रिज में रखना चाहते हो तो बिना नींबू डाल के रखिए, जैसी ज़रूरत लगी आपको वैसे ही नींबू डालिए। देखिए, नींबू डालते ही कलर कितना ग्रीन हो गया ये, और ऐसा के ऐसा रहेगा। इस मूंगफली की वजह से इसका कलर बहुत अच्छा रहेगा, ये फेड नहीं होगा। तो बनाते रहिए, खाते रहिए, बताते रहिए, मिलता हूँ फिर मैं नई रेसिपी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पकौड़ी के साथ खाइए, सैंडविच के साथ खाइए, चिल्ले के साथ खाइए, किसी भी समय।